राम राम भाइयों। तो आज हम बात करेंगे चंबल के 3 सिरों के बारे में। तो आपके अपने चैनल जय अहिल्या भाई होलकर बढ़िया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंबल के 3 सिरों के बारे में। दोस्तों, पहले राम बाबू गढ़िया, दूसरे पान सिंह तोमर और तीसरे निर्भर सिंह गुज्जर। ये दोस्तों तीनों ही चंबल के खूंखार डकैत दोस्तों, इस चंबल के हीरो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों तो फिर हम चलिए बात करेंगे भीगड़ों के बारे में। दोस्तों भीगड़ भीगड़ होता क्या है दोस्तों? भीगड़ होता है डाकुओं की जन्नत दोस्तों। भीगड़ डाकुओं की जन्नत होती है दोस्तों। अगर दोस्तों डाकू या तो फिर उनका एनकाउंटर होता है या फिर दोस्तों वह राजनीति में चले जाते हैं और वगैरह वगैरह दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम पहले नंबर राम बाबू गढ़िया की और दूसरे नंबर पान सिंह तोमर और तीसरे नंबर नरवर सिंह गुर्जर। तो चलिए दोस्तों तो बात करते हैं राम बाबू गढ़िया की। तो दोस्तों सन 1997 में रघुवीर गढ़िया ने एक गैंग बनाई और दोस्तों उसके मेन हीरो रहे हैं दोस्तों राम बाबू गढ़िया और दयाराम गढ़िया। दोस्तों यह दो भाई उस गैंग के हीरो रहे हैं दोस्तों। यह दोस्तों अपने ज़माने में चंबल की खूंखार डकैत दोस्तों, इनके इनके मुकाबले में कोई नहीं था। तो दोस्तों 1999 में दोस्तों रघुवीर गढ़िया की हत्या हो गई और दोस्तों उनके साथ 3 साथियों की भी वो भी ढेर हो गए और अफवाह उड़ी कि राम बाबू गढ़िया भी इनको मतलब मारा गया। तो एक पुलिस वाले को फालतू में ही प्रमोट किया, मतलब कि उसने राम बाबू गढ़िया और रघुवीर गढ़िया के और साथियों को मार दिया। तो दोस्तों 2000 में पता चला कि राम बाबू गढ़िया अभी भी जिंदा है और दोस्तों उस गैंग के लीडर को 1 साल के लिए दोस्तों पुलिस वालों ने कैद कर लिया। लेकिन दोस्तों 1 साल से ज़्यादा नहीं कैद कर पाए और दोस्तों वह किसी और दूसरी जेल में राम बाबू गढ़िया गैंग को ले जाया गया। तो दोस्तों कहीं दोस्तों ढाबे पर वह चाय पीने के लिए पुलिस वाले रुके तो दोस्तों राम बाबू गढ़िया की गैंग ने दोस्तों फिल्मी स्टाइल में दोस्तों पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर दोस्तों उस वो छुड़ा के ले गए। तो दोस्तों उन्होंने 8 साल दोस्तों चंबल पर राज किया। दोस्तों पता चला कि दोस्तों 2007 में राम बाबू गढ़िया को ढेर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यह दोस्तों 2015 में जब राम बाबू गढ़िया और दयाराम गढ़िया दोनों भाइयों के नाम से घंटा चढ़ाया गया माता के मंदिर में, तो दोस्तों कुछ अफवाह उड़ने लगी कि राम बाबू गढ़िया और दयाराम गढ़िया अभी जिंदा हैं। तो वैसे तो 2007 में राम बाबू गढ़िया की बॉडी नहीं मिली और दयाराम गढ़िया की भी, बस ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वो मारे गए। तो दोस्तों बात करेंगे हम पान सिंह तोमर की। दोस्तों यह अपने ज़माने में बहुत ही नामी डाकू रहे हैं। दोस्तों इनका जन्म ग्वालियर के भिड़ेसा गांव में हुआ था दोस्तों, बहुत छोटा सा गांव है। और दोस्तों इनका जन्म 1 जनवरी दोस्तों 1932 को हुआ था। दोस्तों पहले दोस्तों तारीख याद नहीं होती थी, इसलिए दोस्तों पहले 1 जनवरी मतलब लगा दिया जाता था। दोस्तों इनका जन्म 1932 में हुआ था और दोस्तों यह पहले आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि दोस्तों इनको सज़ा मिली कि दौड़ने की सज़ा मिली, तो दोस्तों इन्होंने दौड़ा दोस्तों। तो किसी ऑफिसर को इनको दौड़ने की कला को बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों यह नेशनल चैम्पियन भी पहले रह चुके हैं। तो दोस्तों यह रिटायरमेंट के बाद दोस्तों घर आए दोस्तों यह अपने गाँव में दोस्तों अपने घर परिवार वालों से जमीनी विवाद पर एक लड़ाई हो गई। तो दोस्तों इन्होंने अपने परिवार को कत्ल कर दिया और दोस्तों खुद को बागी घोषित करते हुए यह डाकू बन गए। तो दोस्तों यूपी पुलिस ने दोस्तों इनको 500 पुलिस वालों ने इनको घेर कर दोस्तों इनका एनकाउंटर कर दिया। और दोस्तों आपने इनकी पिक्चर भी देखी होगी, पान सिंह तोमर के नाम से एक पिक्चर भी बनी है। तो चलिए दोस्तों
बात करेंगे हम निर्भय सिंह गुज्जर की। तो दोस्तों 1975 से 2005 तक दोस्तों 30 साल जम्बलपुर राज करने वाले निर्भय सिंह गुज्जर। दोस्तों टोटल 205 केस निर्भय सिंह गुज्जर पर लगे थे। दोस्तों 1975 से निर्भय सिंह गुज्जर ने डकैती शुरुआत की। दोस्तों कुछ ही ऐसे बदमाश होते हैं जो खुद की सरकार चलाते हैं। दोस्तों यह निर्भय सिंह गुज्जर एक ऐसे डाकू थे जो कि 40 गांवों को खुद अपनी सरकार चलाते थे। दोस्तों 40 गांव में MLA सदस्य जो भी चुनाव होते हैं दोस्तों गांव के प्रधान दोस्तों सब इन्हीं मतलब यही चुनते थे। तो दोस्तों इनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार भी थे और दोस्तों यह अपने ज़माने के बहुत ही नामी डाकू थे। दोस्तों 2005 में इनका एनकाउंटर हो गया। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।